आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नगर पालिका में हुआ आनंद उत्सव का आयोजन, रस्सी खींच में नगर पालिका कर्मियों ने जन प्रतिनिधियों को हराया। सनावद आनंद उत्सव जैसे आयोजनों से समाज के प्रत्येक वर्ग में नवीन आशा का संचरण होता है, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। ये बात विधायक सचिन बिरला ने मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग और नगर पालिका द्वारा आयोजित आनंद उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त की। विधायक ने आनंद उत्सव को नगर के सभी वार्डों में भी आयोजित करने पर जोर दिया। इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन को निर्देश दिए ताकि प्रत्येक नागरिक आनंद उत्सव में भागीदारी कर सके। विधायक और अतिथियों ने स्वच्छता प्रतियोगिता में विजयी स्कूल, होटल, चिकित्सालय के संचालकों को भी स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कमर बिरला ने हास्य योग का प्रयोग करवाया और कहा, तनाव से शांति मिलने पर आनंद की अनुभूति होती है। प्राकृतिक आनंद सुबह सुबह योग, व्यायाम, दौड़, टहलने से मिलता है। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम पुरोहित ने नागरिकों से आनंद उत्सव में शामिल होने का आह्वान किया। आनंद उत्सव के दौरान जनप्रतिनिधियों, नगरपालिका कर्मचारियों के बीच रस्साकशी का खेल खेला गया, जिसमें नगरपालिका कर्मियों की टीम विजेता रही। विधायक ने रस्साकशी खेल में जीतने पर नगरपालिका कर्मियों को बधाई दी। इसके बाद विधायक और अतिथियों ने नगरपालिका द्वारा गीले कचरे से बनाए गए कंपोस्ट खाद की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए नगरपालिका के प्रयासों की प्रशंसा की। विधायक ने कहा कि गीले कचरे से खाद बनाने का कार्य ग्रामों में भी होना चाहिए। इस अवसर पर सीएमओ बलराम भूरे, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष शेख मुजफ्फर, राहुल हिरोड़िया, अमिता मंत्री, केतल गहलोत, दिलीप सखरोदिया, बिन्नी कपूर, राजा चौरसिया, धर्मेंद्र मसंद, लच्छू पटेल, राजेश पाल, अनुराग शिंदे, दुर्गेश परिहार, नगरपालिका के एके त्रिपाठी, खेमचंद मुसले, शंकर सिंह सोलंकी, राजेश सोनी, हारून बैग आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्याम सिंह चौहान ने किया। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। उत्सव के अंतर्गत नगर पालिका सनावद में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम सब लोगों के साथ में यहाँ प्रत्येक आयु वर्ग के लोग भी उपस्थित हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, दिव्यांग लोगों, सभी आए और खूब खुशियों के साथ यहाँ पर खेल उत्सव का आयोजन भी हो रहा है। अभी रस्सा कसी का भी आयोजन हुआ था, तो मैं इस अवसर पर हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जीत गए, उनको भी खूब बधाइयाँ भी देता हूँ कि इसी तरह वो हर फील्ड में भी जीते, जो शहर में भी इतनी साफ सफाई का काम हो रहा है उसमें अग्रणी रहे, और खूब यहाँ पर आनंद बरस रहा है आज। और मैं इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब को भी उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने इसके माध्यम से बच्चों को तनाव मुक्त करने का काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को तनाव मुक्त करने का काम कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो घर की चार दीवारी में अपने काम कर रही थी, वो भी आकर इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही, उनको भी तनाव मुक्त करने का काम कर रहे हैं, दिव्यांगों को तनाव मुक्त करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से आनंद महोत्सव के माध्यम से परिवार में, समाज में खुशियां आए, तनाव मुक्त समाज हो, इस बात को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ।